अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 102। और आज के इस लेसन में हम देखेंगे मेक बाल स्क्रू कैप इन थ्री डायमेंशंस। तो आज के लेसन में हमने जो प्रीवियस लेसन पे काम किया था उसी को कंटिन्यू करेंगे, और प्रीवियस लेसन में हमने टू डायमेंशंस पे काम किया था और आज के इस लेसन में हम थ्री डायमेंशंस पे काम करेंगे और अपने प्रीवियस जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया था उसी को हम 3D में कन्वर्ट करेंगे। और आज के इस लेसन में हम देखेंगे 3D रोटेट कमांड को कैसे यूज़ किया जाता है, प्रेस पुल कमांड, और उसके अलावा कॉपी एज वगैरह जो है हमारे पास 3D सॉलिड्स में जो कमांड्स यूज होती हैं उन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ से ऑटोकैड को ओपन करता हूँ और मैं पहले आपको ड्राइंग बता देता हूँ जिन जिन पर हमने काम करना है। तो आप देखें आज के लेसन में हम उसी ड्राइंग को इस में कन्वर्ट करेंगे, ऐसी शेप में कन्वर्ट करेंगे। और जो पहले वाली ड्राइंग थी वो ये वाली थी, इस ड्राइंग को हमने उस ड्राइंग में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ से ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। तो मेरे पास वो ड्राइंग बनी हुई है जो प्रीवियस लेसन में हमने बनाई थी। अभी ड्राइंग जो बन गई तो उसको मैं अब यहाँ से इसी ड्राइंग को 3D में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ से SW आइसोमेट्रिक व्यू में लेके जाता हूँ इसको, और प्रेस पुल कमांड पे क्लिक करके यहाँ से इस अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, या फिर इसको मैं मूव करता हूँ, देखता हूँ कि ये नहीं हो रही, कंट्रोल जेड करता हूँ। कंट्रोल वाई, चैम्फर कमांड दोबारा से यूज करता हूँ, CHA एंटर, डिस्टेंस D एंटर, CHA एंटर, D एंटर, तो यहाँ पिछले उसमें लेसन में हमने ये काम किया था। अच्छा ओके, अब मैं यहाँ से इसको 3D में कन्वर्ट करता हूँ और प्रेस पुल कमांड से इसको मैं 3D में कन्वर्ट करता हूँ। तो प्रेस पुल कमांड पे क्लिक करता हूँ, अपने ऑब्जेक्ट को ये एरिया इस एरिया से सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं हाइट देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको मैं हाइट देता हूँ 1.2 टू, ओके। और अब मैं इसको इस पर कोई काम करूँगा। अब देखें इसको यहाँ से ये इलास्टिक व्यू में तो आपको ये नज़र आ रही है इस तरह की शेप में, देख सकते हैं। अब इसके जो नीचे ये वाले जो सेंटर वाले सर्कल, इनको डिलीट कर दें क्योंकि इनका फंक्शन कोई नहीं है, लेकिन ये ड्राइंग में दिए हुए थे तो मैंने इसलिए बना लिए। और ये जो सर्कल, इनको डिलीट कर दूँ मैं। ओके, ये सर्कल नहीं, इसको नहीं डिलीट करूँगा क्योंकि इस पर काम करना है। क्या काम करना है वो आपको बताऊँगा मैं। ओके, अब मैंने काम करना है कि मैं जो मैंने हाइट दिया वो मैंने दिया जी आई थिंक 1.2 दी है। तो मैं इसको यहाँ से फ्रंट व्यू में लेके जाता हूँ। तो मैंने जो हाइट दिया 1.2 दी है तो मैं इसको चेंज करता हूँ थोड़ा सा। और लेंथ इसकी मैंने जो यहाँ से दी थी तो वो थी जिसकी 1.5 है, तो मैं इसको भी थोड़ा सा वो करूँगा। उसके लिए मैंने यहाँ पे काम करना है कि मैं कॉपी एच कमांड है उसके ऊपर काम करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ से देखें एक कॉपी एच कमांड है इस पर काम करूँगा, लेकिन इससे पहले मैं इसको 2D वायर फ्रेम में लेके जाता हूँ ताकि क्लियर नज़र आए मुझे। और दूसरा काम ये करना है कि मैं इसको फ्रंट व्यू में लेके जाना चाह रहा हूँ। ओके, तो अब मैंने यहाँ पे काम करना है कि ये मेरे पास ये जो एरिया है इसको कॉपी करना है। तो इसके लिए आप देखें 3D में कन्वर्ट है, इसलिए मैं जब कॉपी कर रहा हूँ तो मेरे पास नॉर्मल कॉपी कमांड यूज़ नहीं होगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ से इस बटन पे क्लिक करता हूँ, सॉलिड एडिटर में यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और कॉपी एज पे क्लिक करके अपने एज को सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस एंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक करता हूँ और सेकेंड पॉइंट जो मैंने दिया था मैं इसको देता हूँ, मैंने दिया था जी इसको 1.2 दिया था, तो मैं टू फॉर एग्जाम्पल इसको मैं डायमेंशन पे नीचे ले आता हूँ, 0.2, 0.2 एंटर, ओके। ये आ गया, अब इसी को कॉपी करता हूँ, CP एंटर करता हूँ,
करने के बाद इसको इस पॉइंट से उठा के इसको ऊपर लेके जाता हूँ ताकि दोनों पॉइंट में मेरे पास ये ऑब्जेक्ट आ जाए। ठीक है, और अब ये तो मेरे पास यहाँ पे काम हो गया। अब एक और काम करना है कि मैं इस ऑब्जेक्ट को, ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इस एज को मैं कॉपी करता हूँ, इस एज को। तो उसको कॉपी करने के लिए मैं इसको दोबारा शेड व्यू में लेके जाता हूँ और इसको मैं इस व्यू में लेके आता हूँ। कस्टम में जाता हूँ, टॉप व्यू में, तो ये भी कॉपी हो गया। और इसको मैं यहाँ से ये इलास्टिक पे क्लिक करता हूँ। ओके, सही है। अब जो मैंने काम करना है वो ये काम करना है कि मैं इसको थोड़ा रोटेट करता हूँ इस तरह। वेट, मैंने कॉपी किया तो कहाँ पे जी? उसके लिए मैं दोबारा इसको वायर फ्रेम में लेकर जाता हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही मैंने एज कौन सा कॉपी किया था। मैंने आई थिंक सर्कल को कॉपी किया था, लेकिन मैं यहाँ से दोबारा इसको रियल लास्टिक पे लेके जाता हूँ और यहाँ से फिर मैं स्केच को कॉपी करता हूँ। उसके लिए मैं इस व्यू में आता हूँ। ओके, तो इसका ये वाला एड जो, इसको मैं कॉपी करता हूँ। तो कॉपी करने के लिए मैं यहाँ से कॉपी एड पे क्लिक करता हूँ, स्पेस, और कितना था जी, 0.2, एंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, सॉरी, कॉपी एच, यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, स्पेस, और यहाँ से इसको 0.2 बॉटम की तरफ, 0.2। ओके, सही है। अब मैं इसी को थोड़ा सा और मैं इसको कॉपी करता हूँ, तो कॉपी एड्स के लिए दोबारा यही कमांड अप्लाई करूँगा। कॉपी एड्स, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो अब मैं इसको 0.2 पहले मैंने किया था, तो मैं इसको करता हूँ 0.04 पे मैं इसे कर देता हूँ। ओके, सही है। अब यहाँ से एच को कॉपी करूँगा, तो उसके लिए मैं यहाँ से कॉपी एच का दोबारा मैं कमांड लेता हूँ, इस एच को कॉपी करता हूँ। और इसको मैं स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट ये मैं दे देता हूँ इसको। और किसी को मिरर कर लूँगा, और मिरर के लिए MI एंटर, बल्कि अब इसको मैं फ्रंट पे ले आता हूँ। ये चीज़ें, ये थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाता है, थोड़ा सा ये मुश्किल होता है काम। और यहाँ से इसको मैं करता हूँ जी 2D वायरफ्रेम, ये कमांड थी, इसको मैं मिरर करता हूँ, MI एंटर, MI एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस, और इसको यहाँ से मिरर करता हूँ। ओके, जो फालतू एड्स हैं उसको मैं डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के लिए आपने क्या करना है जी, ट्रिम कमांड यूज़ करनी है।
टी आर डबल इंटर, और मैं अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ जिसको उसे ट्रिम करने। टी आर डबल इंटर, चलें ट्रिम नहीं हो रही तो खैर है, कोई बात नहीं। अब यहाँ से मैं इसको ले जाता हूँ और इसके ये जो एड्ज हैं इनको मैं प्रेस पुल कमांड से ख़त्म करता हूँ। तो उसको उसका क्या तरीका है, उसके लिए मैं यहाँ से रियल ऑस्ट्रिक पे क्लिक करता हूँ। मेरे पास ये जो एरिया है इसको मैं प्रेस पुल कमांड से ख़त्म करता हूँ। तो उसके लिए आपने क्या करना है, प्रेस पुल कमांड यूज़ करनी है और इसको सिलेक्ट करना है इसके सेंटर पॉइंट को। यहाँ से इन ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ जिन जिनको मैंने ट्रिम करना है, क्योंकि उसके अलावा ये काम नहीं करेगी। अभी देखें, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट हो गया। ट्रिम 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 एंड ओके। अब प्रेस पुल कमांड यूज़ करता हूँ, देखता हूँ कमांड काम करेगी कि नहीं। ओके, इसने काम कर लिया। सिलेक्ट करता हूँ इसको, यहाँ से इसके इस कॉर्नर से बाहर निकाल देता हूँ। तो ये यहाँ से इसको ये माइनस कर देगा, देख सकते हैं। शिफ्ट को प्रेस करके मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, अब यहाँ से हमने कितना दिया जी, हम इसको मैं अब थोड़ा सा इसको प्रेस पुल कमांड से इसको मूव करता हूँ ऊपर की तरफ। तो प्रेस पुल कमांड और ये जो सर्कल है इसको मैं यहाँ से अंदर से सिलेक्ट करता हूँ। इसका सर्कल गायब हो गया, तो मैं दोबारा से सर्कल, क्योंकि जो पहले मैंने वो काम किया था उसमें मैंने सर्कल शायद इसका डिलीट हो गया था, तो मैं इसको दोबारा यहाँ से जाता हूँ और टॉप पे क्लिक करता हूँ, और सर्कल मैंने जो दिया था सी एंटर, जो सर्कल था वो मैं आप यहाँ पे देख के बताता हूँ आपको। अंदर वाला जो सर्कल था वो था 1.10 डायमीटर, डी एंटर, और कितना था जी 1.10। ओके, और अब मैं इसको प्रेस पुल कमांड से प्रेस पुल कमांड यूज़ करता हूँ और इसके देखें यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, सर्कल इंसर्ट हो गया, और इसको मैं टॉप व्यू में तो यहाँ से ऊपर लेके आता हूँ और इसको मैं इस पॉइंट में आके छोड़ देता हूँ, इसके साथ जोड़ देता हूँ। नहीं काम किया, सही इसने कंट्रोल सेट, शिफ्ट को प्रेस करके इसको मूव करता हूँ, प्रेस पुल कमांड फिर से यूज करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपका काम हो गया जी, देख सकते हैं, और आपका ऑब्जेक्ट भी ड्रॉ हो गया, देखें ज़रा। जेड स्पेस ए स्पेस, ओके, आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया और ये देख सकते हैं बिल्कुल वही ऑब्जेक्ट ड्रॉ हुआ जो मैकेनिकल में आपने देखा था, देख सकते हैं। और यही ऑब्जेक्ट आप यहाँ से देखें तो ये वही ऑब्जेक्ट है बिल्कुल सेम, देख सकते हैं आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये था जी आपका लेसन नंबर टू। मेन आपका प्रोजेक्ट नंबर टू था ये, देख सकते हैं, और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। ये देखिए अंदर से राउंड है, ये देख सकते हैं, देखिए अंदर से राउंड है। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और ये प्रोजेक्ट्स आप बनाएं ताकि आप अच्छी तरह से इस पर काम कर सकें। नेक्स्ट लेसन मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।